सो so, अगर आप अपने घर में डोसा बैटर बनाना चाहते हैं या इडली बैटर बनाना चाहते हैं या वड़े का बैटर बनाना चाहते हैं या भले के बैटर तैयार करना चाहते हैं सो so ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि बहुत लोग घर के अंदर दाल चावल ग्राइंड करने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं सो so, मैंने दो साल एक मिक्सर ग्राइंडर को यूज करा और आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूं क्योंकि ना मुझे काफी कमेंट आते हैं कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रही है मिक्सी के अंदर या सोप चावल मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहे हैं सो so, ये वीडियो एंड तक देख लेना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मेरा नाम है गरिमा आज की वीडियो में ना मैं साउथ इंडियन लवर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिससे आप अपने घर के अंदर दाल और चावल को इतने अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं ना बिल्कुल एक पेस्ट बना के और ये रिव्यू मैं आपको खुद पर्सनली मिक्सर ग्राइंडर को पिछले दो साल से यूज करके ही दे रही हूँ सो दैट अगर आप इस मिक्सर ग्राइंडर को बाय करेंगे तो आप भी मेरी तरह बहुत खुश हो जाएंगे तो ये है Panasonic का मिक्सर ग्राइंडर जिसका मॉडल नंबर है MXAE475। एक्स दो साल पहले ये वाला मॉडल लॉन्च किया था Panasonic ने तो उस टाइम ये मॉडल की वोटेज आती थी सेवन फिफ्टी अब कंपनी ने ये सेम मॉडल को 2000 हजार के अंदर दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है सो तो so इसके अंदर आते हैं चार जार तीन जार्स जार आते हैं स्टेनलेस स्टील के जिसके अंदर जो स्टील लगा हुआ है वो है एस एस तीन सौ चार एस एस तीन सौ चार जो स्टील होता है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्टील होता है जो कि पैनासोनिक के जार्स के अंदर भी यूज होता है और साथ ही साथ आप अंदर जो ब्लेड देख पा रहे हैं उसके ब्लेड्स के अंदर भी एस एस तीन सौ चार लगा होता है इसमें तीन जार स्टेनलेस स्टील के आते हैं और एक जार आता है पॉलीकार्बोनेट जार जिसके अंदर हम शेक्स बना सकते हैं स्मूदीज बना सकते हैं और चाहे तो सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस भी बना सकते हैं सो so, ये जो तीन स्टेनलेस स्टील के जार्स हैं जो सबसे छोटा वाला जार है इसको आप चटनी ग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं या आप अपने ड्राई ग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई सूखे मसाले ग्राइंड करने हैं तो आप वो उसके लिए यूज कर सकते हैं जो बीच वाला आपका जार है उसको अगर आपको कम क्वांटिटी में दाल और चावल ग्राइंड करने हैं तो आप उसको उसके लिए यूज कर सकते हैं और अब जो सबसे बड़ा वाला जार है स्टेनलेस स्टील वाला उसको आप अपने दाल के लिए चावल के लिए ग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं पैनासोनिक मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर जो मोटर लगी होती है वो हंड्रेड कॉपर के अंदर आती है ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये ट्वेंटी थ्री में आता है आरपीएम होता है राउंड पर मिनट ये मिक्सी एक मिनट के अंदर तेईस चक्कर काटती है तो सोचो दाल और चावल की हालत क्या कर देती होगी सो so, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको दाल चावल ग्राइंड करने के लिए मिक्सी लेनी है तो उसको आंख बंद करके ले लेना क्योंकि तो मैं इसको खुद पर्सनली यूज कर रही हूँ मिक्सी की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम लगी हुई है इसकी जो मिक्सी की मोटर है ये भी काफी अच्छी है की वारंटी आती है फाइव ईयर्स ऑन मोटर एंड टू ईयर्स कम्पलीट वारंटी इसकी जो मेन यूनिट है इसके अंदर एक कूलिंग फैन भी लगा होता है कि कभी आप मिक्सर ग्राइंडर को लंबे टाइम के लिए चलाएं तो इसकी जो मोटर है ये गर्म ना हो लेकिन वैसे मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि चार पांच मिनट चलाकर कंटिन्यूसली फिर आप इसको एक मिनट का ब्रेक देंगे और उसके बाद आप इसको फिर मिनट के लिए रेगुलरली चला सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आता है डबल लॉकिंग सिस्टम अब डबल लॉकिंग सिस्टम क्या होता है डबल लॉकिंग सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे जो जार्स है जार की जो लिड है आपने देखा होगा 90 परसेंट मिक्सर ग्राइंडर्स के ऊपर हम ऐसे हाथ रखते हैं और फिर हम मिक्सर ग्राइंडर को स्टार्ट करते हैं लेकिन पेनासोनिक एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर है जिसके ऊपर आपको ढक्कन पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो इसकी लिड है वो भी विद लॉक आती है और जब तक आप इस लिड को ओपन नहीं करोगे आप जार को उल्टा सीधा कैसे भी कर लो ये जार ओपन होगा ही नहीं सेकेंड सेफ्टी फीचर इसका आता है कि अगर आपका जार ढंग से लगा नहीं हुआ मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर तो ये मिक्सी ऑन ही नहीं होगी बहुत कंप्लेन आती है पेनासोनिक के नई मिक्सर ग्राइंडर ऑन नहीं हो रहा लेकिन ये मिक्सर ग्राइंडर खराब नहीं होता मिक्सर ग्राइंडर का ये सेफ्टी फीचर है कि अगर हमारी मिक्सी का जार प्रॉपरली नहीं लगा हुआ तो मिक्सी ऑन नहीं होगी या मिक्सर ग्राइंडर किसी फ्लैट सरफेस पे नहीं है तो पैनासोनिक मिक्सर ग्राइंडर ऑन ही नहीं होगा साउथ इंडियन फूड का बैटर अगर आपको बनाना है ना तो इस मिक्सर ग्राइंडर से बढ़िया कुछ भी नहीं है मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी दो साल पहले उस वीडियो में ना मैंने ब्लैक पेपर को ग्राइंड करके दिखाया था बहुत हार्ड होता है काली मिर्च अगर आप देखोगे ना आप मतलब इसको दबाओगे तो काफी हार्ड होती है वो उसके अंदर मैंने काली मिर्च पीस के दिखाई थी और काली मिर्च की क्वालिटी आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा कि इतना फाइन पाउडर बन गया था ना मैं उस वीडियो का भी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ आप वहां जाके देख लेना लेकिन अगर आपको इडली और डोसे का बैटर बनाना है ना मतलब दाल और चावल को ग्राइंड करना है ना तो ये मिक्सी ले लो दाल और चावल की ऐसी हालत कर देती है ना ये वाली मिक्सी कि आपको जो पेस्ट मिलेगा ना जो टेक्सचर मिलेगा ना आपके बैटर का वो बहुत ही अच्छा मिलेगा सो so, पैनासोनिक है ना काफी सारे मॉडल्स आते हैं मिक्सर ग्राइंडर के अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वहां जाके देख सकते हैं मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुई है तो so, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से एंड फॉलो करने से ये बेनिफिट होता है कि जब भी हम कोई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दे देती है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चल देन गुड बाय